आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिमंडल के साथ साथ भाजपा पार्टी से इस्तीफे के बाद उन्हीं के खेमे से कानपुर के बिलारी विधानसभा से विधायक भगवती प्रसाद ने इस्तीफा देने के बाद प्राइम टीवी से खास बातचीत की। तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कानपुर के बिल्लारी सीट से चार बार के विधायक भगवती प्रसाद, जो कि आज भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थाम रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आप आज सपा का दामन थाम रहे हैं? ऐसा है, पहले आप समझ लीजिए कि आप, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में तीन बार मंत्री रहा हूँ, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग और मुख्य सचेतक विधानमंडल दल का। तीन बार मैं स्वतंत्र प्रभार का मंत्री रहा हूँ और पहले बार राजमंत्री बना था। तो मैं तीन बार मंत्री रहा, चौथी बार मैं विधायक रहा हूँ। पहले बार भोगनीपुर से विधायक रहा, दूसरी बार बिल्लौर से रहा और तीसरी बार कानपुर से 300 किलोमीटर दूर बिल्लौर से मऊरानीपुर झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर में मुझे भेजा गया और ऐसी जगह भेजा जाता था जहां कभी खाता नहीं खुलता था, वहां पर मैंने खाता खोला। और बिल्लौर में भी भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुला था, वहां पर भी हमने पिछले चुनाव में वहां पर 25,000 वोट मिला था उनको, और जब हम वहाँ से चुनाव लड़े तो 1,02,000 वोट हम लोगों ने हासिल किया। कितने विधायक और मंत्री आज सपा का दामन थाम रहे हैं ये अभी आपको थोड़े दिन समय में मालूम हो जाएगा। अभी एग्जैक्ट पोजीशन एक दो दिन में मालूम हो गई। अभी आप अंबेडकर के विचारों की बात कर रहे हैं। हम प्योर अंबेडकर आए हैं, हमारे खून में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, हम मरते टाइम तक भी इस मूवमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब आप बसपा में थे और भाजपा में आए, भाजपा में आए की नीतियों पे वो पार्टियां काम करते हुए दिखी हमको? अमरनाथ मौर्य जी हमारे इलाहाबाद के, प्रयागराज के वो बड़े नेता रहे हैं और वो जिला सहकारी बैंक के अभी चेयरमैन हैं, उन्होंने पिछले उसमें आकर के हम लोगों से कहा कि सागर साहब आपने चार महीने के लिए थोड़ा ये महापुरुषों का आप कम कर दीजिए और आप विधायक बन लीजिए और अपने महापुरुषों को फिर ले आइए, अपने सिद्धांतों से कभी कंप्रोमाइज मत करना, सिद्धांत ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी धरोहर है और हमने कभी भी सिद्धांतों से समझौता, 5 साल विधायक रहते हुए एक भी समझौता मैंने नहीं किया। अच्छा, आप सपा में जा रहे हैं तो आपकी आशा अपेक्षा क्या रहेगी? हम जहाँ हमारा समाज का हित होगा वहाँ पर हम लोग जाएंगे, जहाँ पर जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को न्याय मिलेगा वहीं पर हम लोग निर्णय लेंगे, भारत का स्वर्णिम भारत बने उस निर्णय को हम लोग अपने अंगीकार करेंगे और जहां पर हमको उचित लगेगा वहां पर हम लोग भागीदारी के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद थे कानपुर के बिल्लौर से विधायक भगवती प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अखिलेश यादव का नया सपा है उसमें स्वर्णिम भारत का रचयिता किया जाएगा, उसे रचना की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। वहीं सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी चुनाव पर पार्टी की रणनीति के बारे में बताते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश और उनके गठबंधन वाली सरकार की प्रचंड जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी पर बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बार का ये चुनाव कहीं ना कहीं रैलियों से होता हुआ नहीं गुजरेगा। डिजिटल रैलियां होंगी, डिजिटल संबोधन होगा और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं और उन्हीं में से एक है SBSP। SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, सरकार से नाराज हुए, उसके बाद वो अलग हो गए और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ओपी राजभर जी खुद मौजूद हैं। सर, चुनावों की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि बीजेपी के पास तो पूरा अमला है डिजिटल को लेकर, डिजिटल रैलियों को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, हम लोकसभा चुनाव के बाद हम फिजिकल रैली से तैयारी कर चुके हैं,
और वर्चुअल रैली देखना हो तो पार्क रोड पर चले जाइएगा। हमारे सब 2 साल से आईटी सेल के लोग काम करते हैं और पूरे जिले में हम लोगों ने अपना सेटअप बैठा रखा है और जनता को जो बताना चाहिए, हम लोग जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर कराएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी। जो योगी और मोदी जी के ललका साढ़ हैं, जिससे किसान परेशान है, तो किसान को निजात दिलाना है। नहीं तो योगी जी और मोदी जी के ललका साढ़ कैसे? पिछली सरकारें भी थी, अगर अखिलेश जी के राज में इतने साढ़ थे, बोलिए तो मतलब योगी जी ले आए हैं क्या उनको? तब कौन ले आया है? योगी और मोदी के राज में नहीं साढ़ पैदा हुए थे ना। पहले तो साढ़ होते थे, बनारस में साढ़ होता था, उसका नाम बनारसी साढ़ होता था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से नेता नाराज हैं, कुछ ने आपसे मुलाकात की है, दयाशंकर सिंह के बारे में भी आप बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज घर घर जाकर के अभियान शुरू कर दिया है। वो अपनी योजनाएं बता रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं कि भैया कितना काम हुआ है, योजना वोजना मिल रही कि नहीं मिल रही, संतुष्ट हो कि नहीं हो। अभी आपको दिखाया ना, ये देखिए इधर टिकट, टिकट के चक्कर में, टिकट के लिए पति पत्नी आमने सामने हैं, ठीक है, वहाँ झगड़ा किए, भाग के हमारे यहाँ आए। अच्छा। कि हमको सरोजनी नगर से लड़ा दीजिए, चाहे अपनी पार्टी से चाहे सपा से। अच्छा, ये योगी जी कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किया है, सारे मंत्री कह रहे हैं बहुत सारा काम किया, कोनो फर्क पड़ी इसे? आप लखनऊ में रहते हैं ना, पूरे लखनऊ में एक इनका काम बता दीजिए, अगर कहीं मच्छर मार के भी दूहा बनाए हों, मच्छर मार के गड्ढा खोन के पाट दिए हों और उसका एक मजारा बना दिए हों, कहीं दिखता है लखनऊ में? अखिलेश जी का दिखता है, आप 1090 पर खड़ा होइए तो रिवर फ्रंट दिखता है, आप विधानसभा के सामने खड़ा होइए लोकभवन दिखता है, डीजी ऑफिस चले जाइए तो अखिलेश का काम दिखता है, मेट्रो जो ये ताल ठोकते हैं अखिलेश जी उद्घाटन करके तब गए थे। कह तो रहे हैं कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये बनवा दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना दिया जाए। ये काहे लोग अपना बताते हैं कि हमने किया, हमने किया। दुनिया में झूठ बोले वाला नेता अगर कोई एक नंबर का हो तो उसका नाम हो माननीय नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। तीसरे नंबर का जुमला बोलने का एक नंबर कोई है तो अमित शाह जी। तीनों को सुन लीजिए। लेकिन आपके लिए एक और बड़ी खबर आई है, सुनने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं स्वयं प्रसाद मौर्य जी, इस्तीफा दे दिए हैं। दे दिए तो बात तो खुली गई। सुनने में आ रहा है कि सपा ज्वाइन करने वाले हैं। 100% सही है, तो ये बात आप लोगों को बता रहे हैं, अभी का देख रहे हैं। मतलब डीलिंग आपकी लगभग प्रॉपर चल रही है, और कौन कौन से नाम है? अब देखते जाइए कि कल किसका इस्तीफा होता है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का बुरा दिन चल रहा है, जिस दिन उन्होंने तालाब को समुद्र समझ लिया, समुद्र को तालाब समझ लिया, उसी दिन उनका विनाश का दरवाजा खुल गया। अच्छा, ये कुछ छोटे दल अपने साथ भी लेके आए हैं, कुछ शोषित समाज पार्टी है, कुछ अलग अलग पार्टियां हैं, वो सब पहले आपके साथ थे लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम आपसे छल गए हैं, इस वजह से हम बीजेपी के साथ चले गए हैं। कुछ बाबूलाल राजभर हैं उसमें, कुछ इस तरह के नाम है। 12 पार्टी है, और कुल झोरा वाली पार्टी है, झोला में पार्टी चलाते हैं। उस दिन स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम बरहो मिल के रखे, कहां जानते हैं? बांसडी बलिया में। एक गाना गाने वाली को वहां बुलाए, इनका कार्यक्रम था। लखनऊ से बलिया तक सिक्योरिटी लग गई, जब पता लगा कि वहां भीड़ नहीं है तो स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। फिर वहां भेजे गए बेचारे प्रभारी मंत्री राजभर जी, अभी गए तो वहां नाच हो रहा था, कोई डांसर नाच रही थी, 12 साल 10 साल 14 साल के लड़के अपना हसन हुसैन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। उसी बीच माइक पर अलाउंस होता है कि मंत्री जी आइए अपनी बात रखिए, मंत्री जी खड़ा होते हैं बेचारे, 12 पार्टियों की मीटिंग थी और मंत्री जी खड़ा होते हैं, संबोधन नहीं पूरा हुआ तब तक
हुड़दंग ही बच्चे शुरू कर दिए, गए खबरदार हम लोग नाच देख रहे आए हैं कि हम भाषण सुनने, बंद करा दिया भाषण। माइक पर ही मंत्री जी बोलने लगे कि हमको बेइज्जत करने के लिए बुलाया था, क्यों बुलाया था यहाँ, और उसके बाद गाना चालू। और मजे की बात, हम आपको दिखा दें वीडियो, स्वतंत्र देव पटेल के तमाम वहाँ होर्डिंगें लगी थी, महिलाएं कपार पर लेके जा रहे थे। जब किसी ने पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कहा जौन योगी मोदी का सणवा वही के आड़ करो। दिखा दें अभी हम वीडियो, यही तो इनकी झोरा वाली पार्टी है, उसी पर नाच कसते हैं। क्यों इस्तीफा दे दिया, जब भी तो आप बता रहे हैं इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया? आपके हिसाब से फाइनल रिजल्ट क्या होगा 10 तारीख? फाइनल 10 तारीख को 10 बजे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हो जाएगा। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे ओपी राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार हवा जो है वो पलटने वाली है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ उलट पलट रहा है। अब से थोड़ी देर पहले खबर निकल के सामने आ रही है कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पुराने बसपाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा यह भी देखना है हमें। लेकिन इस चुनावी लड़ाई में लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी कमर कसी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद अब दल बदल जो है वो शुरू हो चुका है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी वोटरों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मायावती के बेहद करीबी थे। मौर्य ने एक बार फिर अपना ठिकाना बदलते हुए ट्विटर पर लिखा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों और लघु, छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान भाजपा से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राइम टीवी से क्या कुछ बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौर्य जी, क्या कारण रहा कि आज पार्टी आप लोगों ने आपने छोड़ दी, अब आगे की क्या रणनीति? बात हो गई है मुझे। नहीं नहीं, एक सवाल, क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे की रणनीति के लिए दो दिन और आप इंतजार करिए। पर्चा दाखिला 14 से शुरू हो रहा है, 14 को मैं धमाका करूंगा। बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि बैठ चीट के बातचीत कर लेनी चाहिए थी, अब वो समय निकल गया। जब मुझे बात करने की आवश्यकता थी तो हमारे पार्टी के नेताओं को समय नहीं था, और जब पार्टी के नेता बात करना चाहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास समय नहीं है। आगे 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 रणनीति 10 मार्च को क्या होने वाला है? 10 मार्च को नतीजा क्या होगा? 10 मार्च को नतीजा क्या होगा, क्या नतीजा? क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि हम 325 तो जीत ही जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि आप जब इधर आ गए तो कुछ ना कुछ पलटवार बड़ा होने वाला। अब 2017 के पहले 14 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी झेली है, अब फिर इनको एक लंबे वनवास में जाना होगा। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले, और साफ तौर पर कि अब वनवास के लिए बीजेपी एक बार फिर से तैयार रहे। 2017 के पहले 14 साल का वनवास था और अब एक बार फिर से वनवास बीजेपी को झेलना पड़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। वही सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील में पूर्व सपा विधायक विजय पासवान ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ तहसील प्रशासन को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। इस ज्ञापन के माध्यम से पूर्व विधायक ने प्रशासन पर आचार संहिता को लेकर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से प्रदेश में आचार संहिता लागू हुई है तब से प्रशासन आचार संहिता का पालन करवाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को प्रताड़ित करके चौराहों पर अपमानित करते हुए झंडा बैनर उतरवाने का काम कर रही है। जब से आचार संहिता लगा है तब से आचार संहिता का ये पालन करवाने के लिए खास करके सिर्फ समाजवादी पार्टियों के हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को ये लोग प्रताड़ित करके, चौराहों पे अपमानित करके झंडा बैनर उतरवाने काम कर रहे हैं। जबकि हमारा ही दो दिन पहले ही पूरी पुलिस फोर्स और तमाम निर्वाचन के अधिकारी भी रहे होंगे उसमें, इन लोगों ने चौराहे पर रुकवा के पूरा स्टिकर बैनर सब कुछ उतरवा दिया। हम लोगों ने सहयोग किया और हमारा फर्ज भी बनता, हमारे हर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और सब सभी हमारे नेता सहयोग कर रहे हैं और पालन करना भी चाहिए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी धांधली है, हम लोग देख रहे हैं जब से इनके नेताओं की गाड़ियों पर बैनर, पोस्टर, झंडा, हूटर लगा के खुलेआम धड़ल्ले चल रहे हैं। और ये तो छोड़िए, बैनर तमाम जगह बैनर भी लगा है, कोई नहीं उतार रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब योजना आचार संहिता लग गया है तो इसमें नमक जो बंटवा रहे हैं जिसमें मोरंग मिला हुआ है, हर गांव के लोग बोल रहे हैं कि तेल में पानी मिला है और मोरंग मोरंग मिला हुआ नमक बांट रहे हैं। 10 नमक में
योगी मोदी जी का फोटो लगवा के धरने से आज भी बंटवार है। तो ये मानसिकता इनका दोहरी चरित्र नहीं चल पाएगा। अगर आचार संहिता लगा है तो पालन सब तरफ करवाएं, और ना समाजवादी पार्टी के लोग भी इतने नहीं है कि भाई आपका पालन भी करेंगे लेकिन विरोध करने में हम पीछे नहीं हटने वाले। वही औरैया में सदर विधानसभा क्षेत्र के भीकेपुर, रतनीपुर और पुंठा में भाजपा नेता मदन गौतम ने डोर टू डोर अभियान चलाया। इस दौरान मदन गौतम ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए घर घर जाकर लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में सोचती है और सभी वर्गों का विकास चाहती है, फिर चाहे वो विकास किसानों का हो या मजदूर का। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रचंड जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरदम देश के हित की और जनता के हित की सोची है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे पैसे वाला, सबके लिए सोची है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है। चाहे वो जन विश्वास यात्रा निकली हो, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने स्वागत किया है। चाहे युवा मोर्चा का बैठक मीटिंग भई हो, चाहे किसान मोर्चा की हुई हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की मोर्चा की हुई हो, सारे बहुत भीड़ हुई है और लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से संतुष्ट हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी जन समूह और 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी सरकार जीतेगी और सरकार बनाएगी। वही हरदोई के विकास खंड भरावन ग्राम पंचायत कुकुरा में प्रधान सरोजनी के पति रामगोपाल ने शौचालयों में अनियमितता को लेकर जांचकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शौचालय बनवाने के नाम पर गरीबों का हक मारा गया है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले की निष्पक्षता से जांच नहीं की। समस्या ये हमारे पापा की, हमारे बाबा की लैटिना ही थी, वो पैसा निकल गया है, हमारे बाबा एक्सपायर भी हो गए हैं और सब पैसा खा गए हैं प्रधान लोग। कौन सी ग्राम सभा के पास? ये ग्राम कुकुरा है। ग्राम कुकुरा जी। तो पैसा प्रधान के द्वारा निकाला गया? जी जी जी, प्रधान। और ये नाम सब था सूचना में? नाम था? हाँ, सूची में सब नाम था। समस्या यह है, लैटिन कुछ तो मिली नहीं है। कहाँ, कौन सा गाँव है? कुकुरा। जिला कौन सा है? हरदोई। अच्छा, तो कैसे सांच के लिए कहाँ जाती है? अब जाते हैं ना, सब कहूँ जाती हैं तट्टी। खुले में जाती हैं? अच्छा, फिर क्या करब? खुले में तो स्वच्छता अभियान चल रहा, मोदी जी मना किए हैं। जब बनाए हमें मिली नहीं तो हम का जात तो है कि कोई केरम चले जाए। तो कौन खा गया अम्मा? अब खाएगा जब कोई भैया पहले प्रधान रहा अरुण सिंह, तो नहीं दिन तो का जबरिया। आगामी चुनाव और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मिर्जापुर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज जिले में निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन नामांकन के लिए ट्रेनिंग की जानकारी दी। वहीं आचार संहिता के पालन के बारे में समझाने के साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने और आचार संहिता का पालन करने की जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों से अपील की। ये बताया गया कि चुनाव आचार संहिता का पालन किया जाए और उसके गाइडलाइन का अच्छी तरह से अनुपालन किया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे हमको नामिनेशन कैसे करना है इस विषय में बताया गया, हमको परमिशन चाहिए, हमारे नेताओं का आगमन हो रहा है तो हमको कब परमिशन कैसे मिलेगा, क्या नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ों पर बातचीत हुआ है। सारा चीज़ डिटेल में लिख के भी दिया उन्होंने और बात की मुँह जवानी भी बहुत सी बातें हुई है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नई सुविधा दी है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन नामांकन फाइल कर सकता है, नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल हो जाएगा। जो सुविधा ऐप है और सुविधा की जो साइट है ECI की, उसकी भी इनको ट्रेनिंग दे करके बताया गया है कि कोई भी इनको परमिशन चाहिए या नॉमिनेशन फाइल करना हो वो सब चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। हरदोई के अतरौली में कुम्हारों की जमीन आरक्षित की गई थी जिसके बावजूद कुछ लोग कुम्हारों की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। इस दौरान पीड़ित युवक ने बताया कि जिस नाली में गांव वासियों का पानी जाता था उस पर दबंगों ने अपनी दीवार खड़ी कर दी है जिससे गांव वासियों का पानी निकलना बंद हो गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो लगातार अपनी इस परेशानी को लेकर थाना और तहसील के चक्कर काटने को मजबूर है जिसके बावजूद उसको कहीं भी न्याय नहीं मिला है। जो है कुमार गड्डी के नाम से गाटा संख्या, ये नामित है कुमारों की मिट्टी निकालने के लिए, नामित है।
लेकिन इस पर अवैध कब्जा सरोज पांडे और रज्जन पांडे द्वारा किया गया है। कुमार गड्डी से होते हुए एक नाली जाती थी, इसमें गाँव वासियों का पूरा सब पानी जाता था, तो इनके दीवार उठाने से वो नाली रुक गई है और उसका पानी हमारे 228 नंबर का बगल में खेत है तो वो पूरा खेत में भर रहा है। इसकी कंप्लेन हमने समाधान दिवस में दी तो मौके पर मौका देखने के लिए लेखपाल मुकेश कुमार यादव मुकेश कुमार सिंह आए थे, जो यहाँ मतलब लखलौल के लेखपाल हैं। उन्होंने रिपोर्ट में ये लगाया कि 15C की कार्रवाई हुई है और तथा दीवार मतलब उन्होंने पुष्टि की कि हाँ दीवार है यहाँ पर। फिर उन्होंने तहसीलदार को भेजा तो तहसीलदार में कहा कि न्यायिक तहसीलदार के यहाँ चला गया, लेकिन न्यायिक तहसीलदार में हमने पता किया तो वहाँ पे कोई भी कार्रवाई इन पे नहीं हुई है। वहीं फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में डॉक्टरों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर अचानक ओपीडी में हड़ताल कर दी, जिसके चलते अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज भी बिना इलाज कराए घर वापस लौट गए, जबकि हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो आगामी 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। लोगों को असुविधा ना हो इस तरफ मेरा ध्यान ज्यादा है इस टाइम के अंदर, जबकि कोविड के इतने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। कल भी हमारे 271 मरीज कोविड के आए हैं और टोटल लगभग 3900 के करीब मरीज हमारे एक्टिव हो गए हैं, तो मेरा ध्यान अभी उनकी सेवा करने में और उनको बचाने में है। उन्हें ही सभी की एब्सेंट भेजी गई है, जो भी डॉक्टर किसी की भी CL नहीं भेजी गई है, क्योंकि CL पहले ही हमारे महानिदेशक ने बंद करी हुई है, तो हम वैसे ही किसी को CL नहीं दे रहे हैं। यदि किसी ने CL भेजी है तो हमने उनको एब्सेंट ही कंसिडर कराया है। हमारी कई बार पहले भी हमने इंटीमेशन दिया था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था और वो चाहते भी हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जेन्युइन मांगे हैं, कोई ऐसी भी नहीं है और पब्लिक हित में है, जन हित में है। इन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को ये बहुत पहले अपने आप दे देनी चाहिए थी, लेकिन किन कारणों से क्या उनको क्या इससे वो है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वैसे कहते हैं कि हरियाणा हमारा नंबर वन पे है, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की भी की बात करें तो इनको भी जरूरी है कि पहले नंबर पे लाना बहुत जरूरी है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर चिबरा मऊ के ककरैया मोहल्ला में एक युवक ने अभद्रता करते हुए प्रेम प्रसंग में दूसरे युवक को गोली मार दी थी। इससे पहले कि कोई पुलिस को मामले की सूचना देता तब तक हत्यारोपी हाथ में तमंचा लेकर खुद ही थाने में पहुंच गया, जिसको देखकर कोतवाली प्रभारी भी चौंक गए। वहीं युवक ने खुद ही अपने अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। गोली मार दी किसी ने। कौन थे आपके जिसको गोली मारी? अभिजीत मेरे भैया थे। किसने, क्या नाम है भाई का? सानू। क्या करते थे? डेंट पेंट। गोली की सूचना मिलने से पहले ही आरोपी तमंचा लेकर कोतवाली पहुंच गया। कोतवाल साहब से बोला, साहब हमने एक युवक की हत्या कर दी। ये बात सुनकर कोतवाल साहब शर्म रह गए। वही सवाल ये भी है, अगर आरोपी तमंचा लेकर थाने ना पहुंचता, ना ही अपना जुर्म कबूल करता, तो पुलिस का सिर दर्द बना रहता और पुलिस CCTV कैमरा खंगाल रही होती और PM रिपोर्ट और मुरक्का की कॉल डिटेल का इंतजार करती होती। अपने सभी सचिन शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, Prime TV, कन्नौज। फतेहपुर में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनपद में शांति और कानून व्यवस्था, साथ ही जनता की सुरक्षा व्यवस्था के हाल जानने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने की भी अपील की गई। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर डेबरुआ थाना क्षेत्र के भुतहवा गांव में अज्ञात हथियारों ने युवक का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसकी लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं इसी मामले की सूचना पर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को इस मामले के बारे में जानकारी दी गई। देखिए, थाना डेबरुआ में ग्राम भुतहवा है, इसमें एक आदमी की गला रेतकर हत्या कर दी है अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई है। जो मृतक है उसकी शिनाख्त हो गई है, उसका नाम बबलू गुप्ता है और यहीं का रहने वाला है। लगभग आयु 35 साल उसकी है।
जो क्राइम सीन है उसका विजिट कर लिया गया है। इसमें जो अभी बातें निकल के आ रही हैं यहाँ के लोगों ने जो बताया है उन पर बिंदुओं पर डेवलप किया जाएगा आगे और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। वही महाराजगंज जिले के गुगली कप्तानगंज मार्ग पर सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस ने पैसों का लालच देकर पीड़ितों पर शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया। वहीं औरैया के सहायल थाना क्षेत्र के दखली गांव में खाने में नमक कम होने पर पिता और बेटे ने विवाद इसमें इतना बढ़ गया कि बेटे ने गुस्से में अपने पिता को धक्का मार दिया, जिसके बाद घायल पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध पिता की मौत हो गई। वहीं आरोपी बेटे के बड़े भाई ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेज दिया है। साहेल थाना अंतर्गत लखनी एक गांव है जहां पर श्री मथुरा प्रसाद जो रहते हैं और उनकी पत्नी के साथ में और उनके चार बेटे हैं। कल शाम को खाना में बनाने के उपरांत उसमें उसको टेस्ट को लेकर के आपस में कुछ विवाद हो गया, जिसमें उनका जो छोटा पुत्र है वीरेंद्र कुमार जो 25 साल का है उसने कहा सुनी में अपने पिताजी को धक्का दिया और धक्का देने की वजह से उनको काफ़ी चोटें आई और उन चोटों की वजह से इलाज के दौरान रात में उनकी मृत्यु हो गई है। बड़े पुत्र ने जो जगदीश प्रसाद है जगदीश ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त वीरेंद्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगली खबर देवरिया से है, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान करीब 320 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट किया है। वहीं 25 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में थाना कोतवाली हाटा पुलिस व स्वाट की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलाहे बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है उसी के तहत मुखबिर की सूचना पे आज सुबह कुछ लोगों पे संदेह हुआ और उनकी पूछताछ की गई और जब तलाशी ली गई तो 3 अभियुक्त जो मिले थे उनके पास से एक 32 बोर का पिस्टल और एक तमंचा 12 बोर का और एक लंबा चाकू गुट्टी जैसा ये बरामद हुआ। फिर उनसे पूछताछ के लिए थाने लाया गया, कड़ाई से पूछताछ किया गया और अन्य जनपदों से संपर्क किया गया तो इनके विरुद्ध देवरिया जनपद में कई मुकदमे भी इनके विरुद्ध पंजीकृत हुए हैं और जिनमें ये जेल भी गए हैं। कुछ 302 के भी मामले हैं, लूट के भी इनके मामले हैं। इस तरह से ये बहुत ही अभ्यस्त अपराधी थे जिनको पकड़ने में और अपनी लूट की घटना को अनावरण करने में हाटा पुलिस सफल हुई है। हाटा पुलिस और SOG जनपद की इन दोनों के संयुक्त अभियान से ये सफलता मिली है जो सराहनीय। वही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बरेली जोन के ADG राजकुमार संभल दौरे पर पहुंचे। इस दौरान ADG ने सदर कोतवाली की चौधरी सराय पुलिस चौकी के नवनिर्मित आवासीय भवन का निरीक्षण किया, साथ ही नखासा और हयातनगर थाने में निरीक्षण करते हुए चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। वही थानों के निरीक्षण के दौरान ADG ने चौकीदारों को से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। इस बार का विधानसभा चुनाव COVID-19 के साय में संपन्न कराया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्ण और फेयर मतदान के साथ साथ सेफ पोलिंग सेफ इलेक्शन का भी एक उनका ध्येय और मोटिव है। जब सभी स्वस्थ रहें और कोविड से अपने आप को बचा करके रखें, इसी प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग ने जारी की है। उसमें काफ़ी कुछ नए संशोधन भी किए गए हैं। फोर्सेस को लेकर के जितने भी हमारे
पोलिंग स्टेशन में हमारे कर्मचारी रहेंगे, चाहे वो प्रशासनिक हों, पुलिस के हों, सभी के पास कोविड से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।